हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आ गए हैं माइनक्राफ्ट के अनदर सर्वाइवल सीरीज पे। आज हम करने वाले इलाइट्रा हंट, थोड़ा सा पूरा नहीं करेंगे तो आज हम कुछ और भी बनाने वाले हैं इसमें। तो हम जल्दी से इस लाइब्रेरी को लूटते हैं क्योंकि हमें बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है और हमें काउस को इतने मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम फटाफट इसको लूटते हैं और फिर आपको मिलते हैं इलाइट्रा हंट करते हुए। ओके गाइस, वेट अ मिनट। Much, much, much later. गाइस आप देख रहे हैं हमारे पास कितनी सारी बुक्स आ गई। इतने तो 10 पुस्तक तक भी कम नहीं पड़ेगी और हमें इतनी ओपी बुक मिली है भाई। शार्पनेस, अनब्रेकिंग वगैरह 3 बुक मिल गई, बढ़िया। और अब आ गए यहाँ पे, तो गाइस हमें इस बात को फॉलो करते हुए पहुँचना जहाँ पहला इलाइट्रा मिला था, तो हमें उधर चलना है फटाफट और फिर हम दूसरी जगह मिलते हैं। Many months later. तो गाइस हमें मिल गया फाइनली एक। पिछला तो मिला था छोटा सा था, तो उसको लूट करके और इधर आ गए। हमें सीधे लाइट रन करना था, तो इसीलिए मैंने ये इधर आ गई, उधर तो दिखाया नहीं। तो हमें तो मेन ये किसी ज़रूरत थी, तो हम चलते इसको लेके नेक्स्ट। तो हम सीधे वहीं पे मिलेंगे अपने घर पे। तो गाइस मिलते हैं आपको 2 मिनट में। Many months later. तो गाइस हम ऐसी चीज़ यहाँ पे बनाने वाले हैं जहाँ पे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होगी। पोर्टल बन जाएगा यहाँ पे, अपने इंचेंटमेंट टेबल एरिया भी बन जाएगा, ब्रूइंग स्टैंड भी बन जाएगा यहाँ पे, और एक छोटा सा स्टोरेज भी यहाँ पे सोच बनाएंगे। तो फटाफट बनाते हैं यहाँ पे 4 करके। यहाँ पर 8 लाइन खींचनी है ऐसे ही, उधर भी सेम 8 खींचनी, 2 3, यहाँ पे 3 4 5 6 7 और ये उधर 8 यहाँ पे, और 4 इधर खींचने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इधर 4 खींचेंगे ऐसे, दोनों साइड करना है। ठीक है गाइस, ये पूरा करेंगे और इसको पूरा ऊपर लेके जाना है। तो इसको हटा के यहाँ से भी 8 खींचते हुए उधर जाना है और 4 लाइन ऐसे स्ट्रेट खींचनी है, तो ये एक अलग टाइप का बन जाएगा एरिया। फटाफट से बनाते हैं इसको और आपको मिलते हैं। ठीक है गाइस, ये पूरा कवर करना है और टाइम बहुत लगने वाला है, तो फटाफट इसको कवर करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस मैंने इतना काम कर दिया, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने मैग्मा ब्लॉक लगा दी ऊपर, जिससे कि ऊपर पोर्टल का लुक और अच्छा आ जाए। तो इसलिए मैं इधर लगा दी मैग्मा ब्लॉक और नीचे का लुक भी और अच्छा दिखेगा। थोड़ी डार्क थीम में बना रहे हैं तो इसको ऐसे कर दिया है, पूरा इसको ढक लेंगे और फिर हम उसके ऊपर वो लगाएंगे नेदर ब्रिक्स, मैंने कलेक्ट करके रखा था। इसको फटाफट कवर करेंगे और फिर लगाएंगे ऑब्सीडियन, फिर उसके बाद लगाएंगे ब्रिक वाले, वो क्या बोलते हैं उनको, नेदरैक ब्रिक्स। तो यहाँ नीचे मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया था गाइस, क्योंकि इतना टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए सारा काम पहले कर दिया था। यहाँ पे मैंने लाइटनिंग भी कर दी थी ये लगा के। फटाफट यहाँ पे हम लगाते हैं नीचे ब्लैक स्टोन ब्रिक्स को इधर लगाना है और फिर ये ऊपर चले के वो लगाने के लिए नजर है ब्रिक्स और पोर्टल के लिए और सीडिंग्स को लगाना है। दोनों काम एक साथ करते रहेंगे तो काम जल्दी फटाफट हो जाएगा। एंड मैं इसको फटाफट करती हूँ और फिर आपको मिलते हैं। गाइस नीचे का काम पूरा हो चुका है, यहाँ पे बनाना है हमें पोर्टल ऊपर के लिए, जहाँ से हम नज़र में जा सके और इधर थोड़ा लुक
अच्छा करने के लिए हमने यहाँ पे नेदर ब्रिक्स लगा दिए। डार्क थीम को सोचते हुए तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाते कैसा लगता है।
ऊपर का पोर्टल का काम भी हो चुका है। मैंने यहाँ पे नीचे डेकोरेशन भी कर दिया, यहाँ पे इंचार्जमेंट टेबल और बुकशेल्स भी लगा दिए और फाइनली ये काम कर रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा था, देखिए दिखा रहा है 30 लेवल का, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है और कितनी डार्क थी में तो और भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये ब्रूइंग स्टैंड है, मैंने बोला था ना कि आपने बनाया। मैं कुछ देख रही थी, सारा सामान है मेरे पास और ये देखिए यहाँ पे ये एक वो लगा दिया, 4 प्रिंट स्टैंड लगा दिए। यहाँ पे हम आसानी से प्रिंट करेंगे और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, आपने तो देखा ही होगा यहाँ पे एक स्टोरेज भी है छोटा सा, जहाँ पे आप प्रिंट चेकमिंग टेबल्स और पोशंस रख सकेंगे। और ये हम कट्टा इसलिए कर रहे गाइस क्योंकि यहाँ पे हम लगाने वाले हैं डायमंड कोड के ब्लॉक्स, वो भी डीप स्लेट वाले, हम फटाफट लगाएंगे और चारों तरफ लगाएंगे गोल्ड के ब्लॉक, तो लुक और भी अच्छा आने वाला है। तो फटाफट इसको काम करते हैं। एक छोटा सा काम रह गया था ये लगाना, जिससे कि हम डिसएन्चेंट कर सकते हैं और फाइनली हमारा कंप्लीट होते हुए गाइस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कुछ ऐसे लुक बनाया पोर्टल का, कितना प्यारा लगा है और एंट्रेंस से मैंने कितना प्यार बना दिया। ये देखिए आसपास कितना क्यूट लग रहा है, न चले कितनी डार्क टीम अमेजिंग लग रही है। मैंने यहाँ पे कितना लुक चेंज कर दिया है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कंफर्मली ये बहुत अच्छा बन गया गाइस, मेरे हिसाब से मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा बन गया। और ये छोटा सा एरिया भी बना दिया ये टेबल लगा के, बुक शेल्फ सॉरी। फाइनली गाइस हमारा ये जो हमने सोचा था वो कंप्लीट हो चुका है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा बना है, मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा था उससे काफ़ी बेहतर बना है और प्यारा बना है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा बना, कुछ घंटों में बना है गाइस, फिर भी आपको मैंने छोटे भी करके दिखा दिया। तो गाइस हम आपको मिलते हैं बाहर, नाइट पे भी गाइस लुक कितना प्यारा आ रहा है, देखिए गाइस डार्क थीम में और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है। ये रहा हमारा गाइस आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आइडिया कैसा लगा प्लीज़ बताना गाइस, मैंने खूब सोच के मेहनत करके बनाया है। तो
तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, हमें जल्दी से 2000 के सब्सक्राइबर्स पे पहुँचना है, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।